नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेफर कार फॉर इंडिया मिशन को सपोर्ट करके इसे लाखों व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए। एक्सटेंड के डिटेल्स आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या ईमेल आईडी rananikhil1989@gmail.com पर सेंड कर सकते हैं। इंडिया में लेन डिसिप्लिन या कार्स के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस कोई मेंटेन नहीं करता है, जो मल्टीपल एक्सीडेंट्स का कारण बनता है। हमने कई सारी कार्स एक के बाद एक क्रैश में पाइल्ड अप भी देखी हैं, जिसका रीज़न होता है गाड़ियों के बीच में सफिशिएंट डिस्टेंस मेंटेन ना करना और सडनली किसी कार का इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करना। आज जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं वो एग्जैक्टली आपको यही चीज़ लाइव डैश कैम फुटेज के थ्रू दिखाएगा कि कैसे लोगों का लेन डिसिप्लिन फॉलो ना करना, सफिशिएंट डिस्टेंस मेंटेन ना करना एक्सीडेंट का कारण बनता है। इसीलिए कार्बन डैश कैम का होना काफ़ी ज़रूरी है। इस वीडियो में आप ये भी देखेंगे कि एक सेफ कार कैसे अंदर बैठे लोगों को सेफ रखती है और एक्सीडेंट्स में भी मिनिमम डैमेजेस लेती है। तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, जहां आपको लाइव एक्सीडेंट की आगे और पीछे दोनों तरफ से डैश कैम फुटेज देखने को मिलेगी और ये भी पता लगेगा कि क्यों डैश कैम इंपॉर्टेंट एक्सेसरी है। मिस्टर गुप्ता ने कुछ दिनों पहले टाटा नेक्सॉन परचेज करी थी, जिसमें शायद कुछ हद तक मेरे वीडियोस का भी हाथ था। साथ ही उन्होंने आगे और पीछे दोनों ही तरफ डैश कैम इंस्टॉल करवाया था, जिसमें उनके हुए एक्सीडेंट की पूरी फुटेज रिकॉर्ड हो गई। यहाँ फ्रंट डैश कैम फुटेज में सबसे पहले तो आप देखेंगे आगे चल रही सियाज कैसे मल्टीपल टाइम्स लेन चेंज करती है और समहाउ खुद एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होने से बच जाती है, और आगे कार्स के सडन ब्रेक मारने की वजह से टाटा नेक्सॉन में मिस्टर गुप्ता टाइमली ब्रेक अप्लाई करके फ्रंट कोलिजन होंडा सिटी से अवॉइड कर लेते हैं। पर जब आप बैक डैश कैम फुटेज देखेंगे तो पाएंगे कि अर्टिगा यहाँ टाइमली ब्रेक नहीं अप्लाई कर पाई डिस्टेंस कम मेंटेन करने की वजह से, और एक और कारण यहाँ सडनली लेन चेंज करना भी रहा। यहाँ डैश कैम फुटेज में आप सुन सकते हैं कि आर्टिका के ड्राइवर बोलते हैं कि एकदम ब्रेक लगा दिया आपने, पर जब गुप्ता जी ने उन्हें गुप्त डैश कैम फुटेज दिखाई जिससे आर्टिका ड्राइवर अनअवेयर थे, तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने फिर माफी भी मांगी। नहीं तो शायद नेक्सॉन में बैठे मिस्टर गुप्ता से ही आर्टिका के ड्राइवर पैसे मांगने लगते। तो ये दिखाते कि डैश कैम कार में क्यों जरूरी है, साथ ही अपनी लेन में चलना भी और गाड़ियों में सफिशिएंट डिस्टेंस मेंटेन करना भी। आगे जब आप नेक्सॉन और अर्टिगा में हुई डैमेज देखते हैं तो एक सेफ कार की इंपॉर्टेंस भी आपको समझ आती है। अर्टिगा में फ्रंट बम्पर, बोनट, हेडलाइट्स, साइड फेंडर तक डैमेजेस पहुंची आप देख सकते हैं। और वहीं बात की जाए नेक्सॉन की, तो यहाँ प्लास्टिक के बम्पर पर कुछ स्क्रैचेस हैं और साइड बॉडी पर हल्के डेंट। ऑल ओवर काफ़ी कम डैमेजेस यहाँ टाटा नेक्सॉन में दिखाई देती हैं अर्टिगा के मुकाबले। पैसेंजर तो यहाँ सेफ थे ही, एस एक्सीडेंट काफ़ी माइनर ही था। बाकी मिस्टर गुप्ता भी कार की बिल्ड क्वालिटी से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, जहाँ उन्होंने बताया कि उनकी फैमिली में 3 से 4 कार टाटा की कार्स आने के बाद उन्हें टेस्ट करने के बाद उन्होंने टाटा नेक्सॉन ली, और वो बेट लगा सकते हैं कि टाटा का प्लास्टिक भी मारुति के लोहे से मजबूत है, क्योंकि ये चीज़ उन्होंने खुद इस रियल लाइफ एक्सीडेंट में देखी है। हालांकि मारुति को इन जनरल अनसेफ ब्रांड नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ब्रेजा 4-स्टार रेटेड कार है, पर इन जनरल मैक्सिमम कार्स की बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है तो लोग मारुति को ऑल ओवर अनसेफ कहते हैं। सो इस एक वीडियो से आपने काफ़ी सारी चीज़ें देखी और सीखी।
एंड आई होप आपको समझ आया होगा कि एक सेफ कार कितनी इंपॉर्टेंट होती है। साथ ही कार में डैश कैम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बिना सबूत तो कोई गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं होता, उल्टा आप पर ही चढ़ना लोग शुरू कर देते हैं। इसीलिए डैश कैम भी कार में जरूर लगवाएं एंड अपनी लेन को फॉलो करें और गाड़ियों के बीच सफिशियंट डिस्टेंस बनाकर चलें। वीडियो को आगे शेयर जरूर करें ताकि ऐसी लाइव वीडियो को देखकर और भी लोग सीख ले सकें। चलता हूं मैं, मिलूंगा आपसे जल्दी एक नए वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम दिस इज मी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।